Hello everyone, welcome back to our next video. Today in this video we will study about the next form of business organization, that is joint stock company. In the previous video mein other form of business organization ke bare mein study kiya tha, jo ki the partnership, sole proprietorship, joining the family business and cooperative society. आज इस वीडियो में हम लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हम देखेंगे कि कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज में कैपिटल को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ओनर्स कौन होता है कंपनी का, और कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, किस तरीके से करता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है, फुल डिटेल जानेंगे कि कंपनी में क्या क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। मीनिंग को केयरफुली आपने स्टडी करना है, क्योंकि मीनिंग में से ही हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मीनिंग है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्योंकि कंपनी को लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। कौन क्रिएट करता है इसको, लॉ क्रिएट करता है, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। क्योंकि जीता जाता इंसान तो है नहीं है, बट लॉ की आईज में ये एक पर्सन की तरह ही माना जाता है। तो क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है, तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनीज की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद की एक पहचान होती है, अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो कंपनी होती है उसका खुद का एक लीगल स्टेटस होता है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अगर कोई भी शेयर होल्डर इसमें आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है, बिजनेस को लीव कर रहा है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी भी शेयर होल्डर की, या डेथ हो जाती है, तो इससे कंपनी को किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी होती है वो अलग होती है और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, इसलिए उनमें से अगर कोई भी पर्सन आता है या फिर जाता है, इससे कंपनी की कंटिन्यूटी पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी जो है वो ह्यूमन बींग की तरह सिग्नेचर नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसलिए इसकी कॉमन सील होती है। कंपनी की जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है। तो ये होती है कंपनी का मीनिंग, कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, ठीक है। लोगों की नज़रों में इसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल स्टेटस होता है, अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसमें कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी रहती है, और इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, ठीक है। तो फीचर्स को शुरू करने से पहले अब हम देखेंगे कि कंपनीज के क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि हम यूजुअली देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनीज को कौन से एक्ट के अंडर गवर्न किया जाता है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कंपनीज को गवर्न किया जाता था, बट अब रिपीट हो गया, यानी कि रिप्लेस हो गए, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, तो अब कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल जो कि हम बाहर से उठाते हैं, तो वो किस तरीके से हम लेते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास 20 लाख रुपीज का मैंने बिजनेस किया है, मेरे पास अवेलेबल है 19 लाख रुपीज। अब मुझे 1 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दूंगी, ठीक है, मार्केट में मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दूंगी पब्लिक को। मैं पब्लिक को बोलूंगी कि मेरी कंपनी में आप पैसा लगाओ, और पैसा लगा के उतने ही परसेंटेज के आप ओनर बन जाओ। तो उस पूरी कैपिटल को, यानी कि 1 लाख कैपिटल को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, जो भी मैंने कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको हम बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स कुछ भी नहीं होता, कैपिटल का ही हिस्सा होता है। मैंने पूरी कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया है, और उन शेयर्स को फिर मैं पब्लिक को इशू करती हूँ कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और मेरी कंपनी के ओनर बन जाओ। सपोज दैट कि मैंने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए, यानी कि मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अब इनमें से एक पर्सन जो है वो 1,000 रुपीज के शेयर्स परचेज करता है, ठीक है, सॉरी 1,000 शेयर्स परचेज करता है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, यानी कि वो 10,000 रुपए के शेयर्स परचेज करता है।
10% के लिए वो मेरी कंपनी का ओनर बन गया है। जितने भी मेरी कंपनी में इक्विपमेंट्स है या फिर जितने भी पेटेंट्स है उन सब का वो ओनर बन गया है। कितने से? 10% से, क्योंकि उसने मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, उसने मेरी कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए हैं, तो इसलिए वो 10% के लिए मेरी कंपनी में ओनर बन गया है। तो ये होते हैं शेयर्स की, जब पूरी कैपिटल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि डिफरेंट शेयर्स में उसको बांट दिया जाता है और फिर पब्लिक को इश्यू कर दिया जाता है, और जब पब्लिक उन शेयर्स को परचेज कर लेती है तो इससे पब्लिक को कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, अगर कोई 10,000 के शेयर्स भी परचेज कर रहा है तो वो 10% के लिए कंपनी में ओनर बन जाएगा। तो ये होते हैं शेयर्स। अब है शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर्स को होल्ड करता है वो होते हैं शेयर होल्डर्स, जो शेयर्स को परचेज करता है उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, वो उतने ही पार्ट के लिए, उतने ही परसेंटेज के लिए मेरी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। जो भी पर्सन मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा वो मेरी कंपनी का ओनर बन जाएगा। अब नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टर होता है उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सिंगल होगा तो उसको हम सिर्फ डायरेक्टर बोलेंगे। जैसे कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म में देखा था कि अगर एक पार्टनर है तो उसको हम पार्टनर ही बोलेंगे, अगर बहुत सारे पार्टनर हैं तो उसको मिला के हम क्या बोलेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसे ही अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे, अगर कई सारे डायरेक्टर हैं तो उसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चूज करता है, कौन इलेक्ट करता है? इसको इलेक्ट करते हैं कंपनी के ओनर्स यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होते हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं। ठीक है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपनी कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? वो शेयर होल्डर्स में से भी हो सकते हैं और वो बाहर से भी हो सकते हैं। पहले क्या था, 1956 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनके पास हमारी कंपनी का शेयर होना कंपल्सरी था, बट अब 2013 के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हमारी कंपनी का शेयर होना यानी कि उसका हमारी कंपनी के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, बाहर का पर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। तो ओनर्स जो है वो अपनी कंपनी से या फिर अदर पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इलेक्ट करते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब ये देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस ऑफ पर्संस। जैसे कि हमने मीनिंग में स्टडी किया था कि ये इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मींस कि इसको हमने रजिस्टर्ड कराया है। ठीक है, अगर किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है तो उसकी तीन जो फीचर्स होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसकी एंटिटी जो है वो सेपरेट मानी जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल रहेगा, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। एंड थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की रहेगी। तो ये इसी कुछ तीन मेन फीचर्स होते हैं अगर कोई भी फॉर्म किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम अगर इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है, तीन फीचर्स उसके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, जो कंपनी होती है वो लीगली रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है तो इसलिए इसको इनकॉर्पोरेटेड बोला जाता है। तो ये पर्संस की एसोसिएशन है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है, जो कि लीगली रजिस्टर्ड होती है। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लोगों की नजरों में कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जो कंपनी होती है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शंस नहीं कर सकती, वो फिजिकल एक्शंस नहीं ले सकती, बट उसके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं। वो अपने नाम पे एसेट्स परचेज कर सकती है, लाइबिलिटीज होल्ड कर सकती है, उसको मेंटेन कर सकती है, उसको सेल भी कर सकती है, हर एक चीज कंपनी जो है वो अपने नाम पर कर सकती है। अगर ये इनके पास अथॉरिटी ना हो, अगर वो डायरेक्टर्स के नाम पे एसेट्स परचेज कर ले और कल को डायरेक्टर्स उसको लेके चला जाए तो इस तरह का लॉस उसको फेस करना पड़ सकता है। बट कंपनीज में क्या होता है कि उसकी खुद की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो वो अपने नाम पर एसेट्स को होल्ड कर सकता है, लाइबिलिटीज परचेज कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी होती है उसकी अपनी एक खुद की पहचान होती है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, उसके शेयर होल्डर्स यानी कि उसके मेंबर्स और कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट माना जाता है।
कंपनी जो है वो अपने नाम भी एसेट्स ले सकती है, एग्रीमेंट्स में एंटर कर सकती है, ठीक है, वो किसी पे भी फाइल कर सकती है, फाइल सूट कर सकती है और दूसरा पर्सन भी उसको सूट कर सकता है। तो जितनी भी उसके पास एसेट्स होंगी या फिर जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो सिर्फ कंपनी तक ही कन्फाइंड रहेगी, उसमें उसके ओनर्स का किसी भी तरह का रोल नहीं होगा। जो भी कंपनी की एक्टिविटी होंगी इससे ओनरशिप, जो भी हमारी कंपनी के ओनर्स होंगे, जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो बाउंड नहीं होंगे और ओनर्स की एक्टिविटी से हमारी कंपनी बाउंड नहीं होगी। तो जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है, जो कंपनी की एंटिटी है, वो सेपरेट मानी जाती है किससे, उसके ओनर्स से। इसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो खुद ही एग्रीमेंट में एंटर करेगी और खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। फोर्थ वन इज परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है, किसी भी पर्सन के आने से या फिर किसी भी पर्सन के जाने से कंपनी पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी कि सपोज दैट कि अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, चाहे फिर उसका हमारी कंपनी में जितना परसेंट मर्जी शेयर क्यों ना हो, चाहे उन्हें 50% या फिर 51% शेयर क्यों ना परचेज किए हों, इससे भी हमारी कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स कि इसमें अगर कोई भी पर्सन आ रहा है या फिर कोई भी जा रहा है, नया पर्सन आ रहा है या फिर पुराना जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई इंसॉल्वेंसी है या फिर बैंकक्रप्ट हो गया है, तो इससे हमारी कंपनी को किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके जो एग्जिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्टेबल नेचर का होता है। फिफ्थ वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें ओनर्स जो भी होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नेचर की होती है। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को फोर्स नहीं कर सकती लोन को पे करने के लिए, जितना भी उनका वहाँ पे परसेंटेज है, मान लो कि किसी का 10% शेयर है तो वो सिर्फ वहीं तक पे करेगा, उसके बियॉन्ड एक भी पैसा वो नहीं देगा, जितना भी लॉस होगा उसके लिए कंपनी खुद ही पे करेगी। तो ओनरशिप, जितने भी यहाँ पे ओनर्स होंगे उन सबकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की होती है। सिक्स्थ वन इज, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इसकी एक कॉमन सील होती है, ठीक है, इसकी खुद की स्टैंप होती है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें कंपनी की स्टैंप लगती है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि इसमें कोई भी पर्सन बिना दूसरों के अप्रूवल के, यानी कि अदर पार्टनर्स के अप्रूवल के बिना अपने शेयर को, अपने इंटरेस्ट को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट ऐसा कंपनीज में नहीं होता। इसमें जैसे कंपनी दो तरीके की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो इसमें शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को इजीली किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको इसमें पहले बताया है कि ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, ओनरशिप किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास है। जो मैनेजमेंट हैंडल करते हैं वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जितना भी मैनेजमेंट करना है, जो भी मैनेज करना है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो है वो मेन फीचर है कि इसमें ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है, वो शेयर होल्डर्स के पास रहती है, और जो मैनेजमेंट रहेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। तो इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में फर्क होता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पार्टनरशिप में था, कि इसमें मैनेजमेंट वही करते हैं जो इसका ओनर होता है, बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता, ओनरशिप अदर पर्सन के पास होती है, क्योंकि ओन उसको कोई और करता है और मैनेज कोई और करता है। लास्ट वन इज रिस्क बियरिंग, यानी कि इसमें जोखिम जो है वो सभी पर्सन के बीच में कलेक्टिवली डिवाइड किया जाता है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में था कि अगर वहां पे लॉस हो जाता है तो कुछ एक पर्सन में उसको डिवाइड किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर लॉस हो जाता है तो उसको एक ही पर्सन को बियर करना पड़ता है, बट कंपनी में क्या होता है, रिस्क बियरिंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे पर्सन को करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम किसी भी वेंचर्स को, बड़े से बड़े बिजनेस को हम हायर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई भी इम्प्रूवमेंट करना तो वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होता है। अगर लॉस हो जाता है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो डिफरेंट डिफरेंट पड़ती है ना, क्योंकि इसमें एक पर्सन तो रिस्क नहीं उठा रहा है, अकेला पर्सन तो रिस्क नहीं उठा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे मिलियंस में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सब में वो डिवाइड होता है। तो इसमें रिस्क बियरिंग का जो है